नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले मेष राशि की। आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि का संपूर्ण हाल, उसमें मेष राशि के लोगों का स्वभाव किस प्रकार का होता है, उनका चरित्र किस प्रकार का होता है, स्वास्थ्य कैसा रहता है, उनके करियर की संभावना क्या है, शुभ अंग क्या है, शुभ दिन क्या है, कौन सा रत्न इन्हें धारण करना चाहिए, प्रेम प्रसंग में किस प्रकार से ये रहते हैं और साथ में आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम मेष राशि के बारे में। तो पहले तो मैं आपको मेष राशि के बारे में बता देता हूँ कि मेष राशि एक चर और अग्नि तत्व राशि है। इसकी दिशा पूर्व, इसका रंग लाल, स्वभाव उग्र तथा प्रभाव गर्म होता है। यह विषम व पुरुष तथा क्षत्रिय जाति की राशि है। ये दिन में बलि और रात में ये निर्बल हो जाती है। इसका वास पर्वत और वन में है। मंगल इसका स्वामी है। सूर्य इसमें उच्च का होता है तथा शनि नीच का होता है। ये तो रही राशि की बात। अब हम इस राशि में जन्मे लोग, जो लोग मेष राशि में जन्म लेते हैं, उनका जो शारीरिक बनावट है वो किस प्रकार की होती है। तो इनका जो कद है वो मझला, शरीर पतला किंतु सुगठित होता है, रंग गेहुआ व साफ परंतु रंग रूप अधिक चिकना चुपड़ा नहीं रहता है। इनका गला एवं मुंह कुछ लंबा होता है। भौहों पर जो बाल होते हैं वो घने होते हैं। सिर के बाल कुछ रूखे रूखे होते हैं। अच्छे दबदबे वाले और दृष्टि इनकी तीक्ष्ण और तेज होती है। अगर इनका स्वभाव देखा जाए तो ये तेज मिजाज, फुर्तीले व क्रोधी होते हैं। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। इनमें साहस कूट कूट कर भरा होता है। हिम्मत तथा शक्ति कमाल की होती है। इनका मन अग्रणी होकर काम करने पर प्रसन्न रहता है। किसी के अधीन रहकर ये काम करना पसंद नहीं करते हैं, मतलब ये सेल्फ ही किसी काम को करते हैं, किसी के नीचे आकर या किसी के अधीन होकर ये काम नहीं करते। यह निडर एवं निर्भय भी होते हैं तथा जोखिम के काम बड़ी कुशलता से और आसानी से कर लेते हैं। ये अपनी बात मनवा कर छोड़ते हैं। ये समझते हैं कि बुद्धि एवं ज्ञान से ये सबसे आगे हैं, चाहे वो हो नहीं लेकिन समझते ऐसा जरूर है। यदि मेष राशि वाला क्रोध में आ जाए, यानी ऐसे लोग जिनकी राशि मेष है, अगर वो क्रोधित हो जाए तो बहुत आसानी से ये लोग शांत नहीं होते, बहुत धीरे धीरे और बड़ी मुश्किल से शांत होते हैं। इनकी इच्छा शक्ति बहुत ही प्रबल होती है और एक बार जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं तब तक वो पूरा नहीं हो जाए तब तक उसे छोड़ते नहीं हैं। खुशामद इन्हें बहुत भाती है, मतलब ये किसी और की खुशामद नहीं करते लेकिन लोग इनकी खुशामद करें तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आलोचना इनको बहुत बुरी लगती है। आलोचना से ये घबराते हैं। हर काम में जल्दबाजी करते हैं और इसीलिए कई बार इनके काम बिगड़ जाते हैं और उसमें सफलता नहीं मिल पाती। और एक खराबी इनमें यह भी है कि कार्य को आरंभ तो बहुत दिलचस्पी से करते हैं, किसी भी कार्य को जो प्रारंभ करते हैं तो बहुत उत्साह दिखाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो काम आगे बढ़ता है इनकी दिलचस्पी उसमें कम होने लगती है। इनके अंदर हिम्मत, उदारता व स्वाभिमान बहुत ही कमाल का होता है। धार्मिक भावना के साथ साथ कलाकृतियों, सौंदर्य की परख, राग रंग, चित्रकारी, सिनेमा आदि से ये प्रेम करते हैं, मतलब ये उनके जो शौक हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो मेष राशि वाले लोगों को खुशामद करके अपना काम निकालवा सकते हो, यानी जरा सी उनकी तारीफ करी तो ये फ्लैट हो जाते हैं और आपका काम बहुत आसानी से कर देते हैं। अगर प्रेम की बात की जाए तो प्रेम मित्रता जल्दी करते हैं, किसी से भी जल्दी प्रेम कर लेते हैं, किसी से भी जल्दी मित्रता कर लेते हैं, लेकिन ये मित्रता और ये प्रेम उनका स्थायी नहीं होता है। मित्र की सहायता तो ये करते हैं किंतु मित्र इनसे ईर्ष्या ही करते रहते हैं, यही कारण है कि इनके मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। अगर विवाह की बात करें तो इनका विवाह सामान्यतः 28 वर्ष की उम्र के आसपास हो जाता है, लेकिन अगर मांगलिक है तो इसमें 35 साल भी लग सकते हैं। अगर शोक की बात की जाए तो सैर सपाटा करना, यात्राएं करना, दूर दराज अच्छे अच्छे स्थानों पर घूमने फिरने, इन सभी के शौकीन होते हैं। अगर इनके करियर की बात की जाए तो साहस के कामों में जैसे सैनिक, पुलिस, हुकूमत करना, शासन करना, सर्जन, डॉक्टर, मशीन, भट्टी, लोहा व अन्य धातुओं ढालना तथा इंजीनियरिंग में सफलता प्राप्त करते हैं। ये साधारणतः डॉक्टर, पुलिस व सेना में अधिक ख्याति प्राप्त करते हैं, मतलब इतनी सारी इनकी फील्ड होती है लेकिन जो जिसमें ये ख्याति प्राप्त करते हैं, जिसमें फेमस होते हैं, वो है डॉक्टर, पुलिस और सेना, इनमें ये फेमस होते हैं। ये जो चीज़ है, मतलब ये जो मैंने अभी करियर बताया है, ये 22 से 28 वर्ष की उम्र में इनको ये करियर मिल जाता है। अगर इनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इनकी आर्थिक स्थिति परिवर्तनशील होती है, मतलब अप एंड डाउन लगे रहते हैं। जमीन जायदाद भी होती है और स्वयं का मकान भी होता है। व्यापार एवं भागीदारी लाभप्रद होती है, यानी ये किसी के साथ अगर पार्टनरशिप करें तो कर सकते हैं।
ये खर्चीले होते हैं तथा कई बार फिजूल खर्च भी करते हैं। ये पढ़ाई में तेज होते हैं और खेलों में पूरा भाग लेते हैं। साइंस, तकनीकी शिक्षा, डॉक्टरी एवं फाइन आर्ट्स में रुचि बहुत लेते हैं। इनको भाई बहनों का सुख बहुत ही कम मिलता है, परंतु ये इन्हें पूरा सुख देते हैं। अगर इनकी बीमारियों की बात की जाए तो साधारणतः इनका जो शरीर है वो दुबला पतला मजबूत होता है, लेकिन इनमें रोग प्रतिरोधक जो सामर्थ्य होता है वो एक सामान्य तौर पर ही होता है। इनका सिर दर्द, बुखार, सिर में चोट, गले के ऊपरी भाग में घाव का निशान, मिर्गी, नख सिर फूटना, पेट में दोष, पैर में सूजन, गैस, ब्लड प्रेशर, अग्नि से भय, इस प्रकार के संकट इनके ऊपर आ सकते हैं। इनसे इनको हमेशा बचना चाहिए। अगर इनके उम्र के जो पड़ाव है या कह सकते हैं कि उम्र के जो साल है वो जो महत्वपूर्ण साल है वो बताता हूँ मैं आपको। 3rd, 6th, 9th, 12th, 15th, 16th, 18th, 19th, 21st, 24th, 27th, 28th, 33rd, 35th, 30th, 36th, 42th, 45th, ये जो साल हैं ये इनके लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहेंगे। इन्हीं सालों में, इन्हीं वर्षों में इनकी पढ़ाई, नौकरी, विवाह, संतान या उनकी खुद की उन्नति आदि के लिए महत्वपूर्ण घटनाएं इन्हीं वर्षों में घटेगी। अगर शुभ दिन की बात करें तो मंगलवार इनके लिए शुभ दिन होगा, लाल रंग इनके लिए शुभ होगा, 9 की संख्या वो इनके लिए शुभ मानी गई है। अगर हम रत्नों की बात करें तो मूंगा व अन्य लाल रंग के जो रत्न हैं वो धारण करना इनके लिए ठीक रहता है। अगर मूंगा इनको पहनना है तो सोने की अंगूठी में जड़वा कर अनामिका उंगली में मंगलवार को इनको धारण करना चाहिए। अगर उपाय की बात की जाए तो सूर्य की आराधना और मंगलवार का व्रत इनको करना चाहिए या हनुमान जी की आराधना इनको करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें जो जानकारी है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। बाकी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे आने वाले जो वीडियो होंगे वो बाकी की राशियों के बारे में होंगे, तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।